संदीप महेश्वरी के बारे में तुमने सुना होगा। उन्होंने मार्केटिंग के ऊपर एक उल्टी बुक लिखी थी, जिसको लिखने के चक्कर में उनको मार्केटिंग के ऊपर 80 से भी ज्यादा बुक्स पढ़नी पड़ गई थी। मोस्ट अनयूजुअल बुक्स ऑन दिस प्लान। ये बुक पीछे से खुलती है, यहाँ से। ये इसका पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है। इस बुक को लिखने के चक्कर में मैंने 85 बुक्स पढ़ ली। कुछ दिन पहले मैंने YouTube के कम्युनिटी पोस्ट में और Instagram पे पूछा था कि अगर तुमको बुक रीडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो तुम मुझसे पूछ सकते हो और मैं उसका आंसर इस वीडियो में अच्छे से दे दूंगा। तो जिन जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, सबसे पहले तो उनको दिल से थैंक यू यार। मुझे लगा था कि बस 2 या 3 क्वेश्चन ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं, पर अब लग रहा है कि मैं भी कुछ हूँ। तो रीडिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मेरे भी थे जो मैंने सॉल्व किए और कुछ प्रॉब्लम वो जो तुम लोगों ने बताए वो सब। बुक रीड करते वक्त बीच बीच में जो मुश्किल वर्ड्स आते हैं उनका मीनिंग साथ के साथ जानते रहना चाहिए या नहीं, ये प्रॉब्लम राहुल की है और आई थिंक ये प्रॉब्लम सबकी होगी। तो इसका आंसर है हाँ भी और ना भी, क्योंकि अब ये तुमको देखना है कि तुम वो बुक कुछ समझने के लिए पढ़ रहे हो या फिर अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए। अगर तुम अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए वो बुक पढ़ रहे हो तब तो तुम साथ के साथ वर्ड मीनिंग देख सकते हो, और सिर्फ वोकैबुलरी के लिए बुक थोड़ी ना पढ़ते हैं यार। वो तो जैसे जैसे तुम इंग्लिश की और बुक्स पढ़ोगे, मूवीज देखोगे, इंटरव्यूज देखोगे, तो टाइम के साथ साथ वो वोकैबुलरी अपने आप परफेक्ट होती जाएगी। जैसे हमारी हिंदी अपने आप ही तो अच्छी हुई थी, हमने इसको सीखने के लिए कोई एफर्ट थोड़ा डाले थे। पर इसके अलावा अगर तुम वो बुक कुछ समझने के लिए पढ़ रहे हो तब तुमको बार बार ट्रांसलेटर यूज नहीं करना चाहिए। तो क्या करे भाई, सही अंदाज उत पढ़ते रहे, कुछ समझ में आए चाहे ना आए। सुनो, अगर तुम कुछ सीखने के लिए कोई बुक पढ़ रहे हो तो बार बार ट्रांसलेटर का यूज करके अपनी रीडिंग स्पीड पर ब्रेक मत लगाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि तुमने भी ये नोटिस किया होगा कि मान लो तुमने एक पैरा पढ़ा और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनका मीनिंग तुम्हें नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी पूरा पढ़ने के बाद मोटा मोटा समझ में आ जाता है कि ऑथर कहना क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ है, सिंस 1984 आई हैव मेड बिलियंस सिंपली बाय डूइंग व्हाट द स्कूल सिस्टम डज नॉट डू। इन स्कूल मोस्ट टीचर्स लेक्चर, आई हेटेड लेक्चर्स एज अ स्टूडेंट, आई वाज सून बोर्ड एंड माय माइंड वुड ड्रिफ्ट। मान लो इसमें हमको ड्रिफ्ट वर्ड का मतलब नहीं पता, लेकिन फिर भी वो तो समझ आ ही रहा है ना जो ऑथर इस पैराग्राफ पे कहना चाहते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे वर्ड्स को एक पेपर में लिखते जाओ और बाद में इनके मीनिंग्स देख लेना, तो मैं इस पे कहूंगा भाई बात तो वही हुई ना, जितना टाइम एक वर्ड को लिखने में जाएगा उतने में बंदा उसका मीनिंग ही ना देख ले। हाँ, अगर तुमको सिर्फ अपनी वोकैबुलरी ठीक करनी है तो तुम ये कर सकते हो, और वैसे भी यार वर्ड मीनिंग जान के क्या फायदा, आधे से ज्यादा तो हम बाद में भूल ही जाते हैं भाई। जैसे अभी एक वर्ड का मीनिंग देखा, जान गए, फिर वो वर्ड दोबारा हमारे सामने आया, फिर हम भूल गए कि क्या मीनिंग था इसका। तो क्या बार बार वर्ड्स के मीनिंग ही देखते रहोगे? मेरे हिसाब से पहले उस बुक को या फिर उसके एक चैप्टर को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एकदम फ्लो में पढ़ लो, और ये बात 100% रियल है कि शुरू शुरू में काफी टाइम तक ऐसा रहता है कि हमको कोई भी चैप्टर कोई भी बुक एक बार में समझ नहीं आती है। तो सबसे पहले बर्ड व्यू के लिए इस बुक के एक चैप्टर को पढ़ लो ताकि मोटा मोटा समझ में आ जाए, अंदाजा लग जाए कि चैप्टर हमको सिखाना क्या चाहता है। फिर अगर तुमको वो चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है तो उसको और अच्छे से समझने के लिए उसको एक बार और पढ़ लो, और अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगता है तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दो। तो वर्ड मीनिंग तुमको तब देखने चाहिए जब तुम उस बुक को या उसके चैप्टर को दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहे हो। पहली बार नहीं, पहली बार तो बस उस बुक को फ्लो में पढ़ते रहना चाहिए। I'm a very slow reader. How can I increase my reading speed? ये प्रॉब्लम रोहित शर्मा की है और शुरू शुरू में सबको होती है। भाई फास्ट पढ़ के करोगे क्या जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो? शुरू शुरू में हाउ टू रीड फास्ट, हाउ टू बिकम अ फास्ट रीडर जैसी लाइनें तो भूल ही जाओ, क्योंकि अभी ना तो तुमको इंग्लिश की आदत है और ना ही इंग्लिश की हैबिट, दोनों एक ही बात है वैसे। हाँ भाई, अगर फटाफट पढ़ने की कोशिश करोगे तो सब ऊपर से जाएगा भाई, इसलिए शुरू शुरू में धीरे धीरे पढ़ो, स्लोली आराम से। रीडिंग स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, उसमें टाइम लगेगा। सबसे पहले तो बुक को ऐसे पकड़ो जैसे रोज डे पे लड़की को देने के लिए फूल पकड़ते हो, बिल्कुल प्यार से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तेज तेज पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे माथे पे इस तरह के निशान पड़ जाएंगे। इस उम्र में अपने माथे पे इस तरह के निशान बनने देना ठीक नहीं है दोस्त, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आंखों के बीच में इस तरह के निशान मत बनाओ, दूसरी बार पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ में, टेंशन मत लो, चिल करो, रिलैक्स, और पढ़ते वक्त अपने चेहरे पर एक स्माइल रखो, माथे पर ये निशान मत बनने दो, कीप प्लेन योर माथा। और रीडिंग में क्यों, जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कीप प्लेन योर माथा। किसी भी नई बुक को स्लो ही पढ़ो, अगर उसको दोबारा पढ़ रहे हो देन यू कैन इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड, इनफैक्ट यू कैन स्किप बोरिंग पार्ट्स ऑल्सो। ज्यादा बुक रीड क्यों करना चाहिए, ये सवाल पूछा है टॉजिक्स गेमिंग ने। यार टॉजिक्स, तुम्हारा ये सवाल तुम्हारे नाम जैसा ही थोड़ा अजीब है। ये सवाल बिल्कुल ऐसा है जैसे ज्यादा वर्कआउट क्यों करना चाहिए। अरे भाई, अगर बॉडी को फिट रखना है तो बॉडी की एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, वो एक्सरसाइज करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, कोई जिम में जाके अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करता है, कोई डांस करके, कोई खेल के, पर गोल वही है कि बॉडी फिट रहे। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त।
वैसे ही माइंड को फिट रखने के लिए माइंड की एक्सरसाइज होती है। जैसे हम अपनी बॉडी को फिट रखते हैं बॉडी का यूज करके, जिम में बॉडी के हर एक पार्ट का यूज होता है तब बॉडी स्ट्रांग बनती है। वैसे ही बुक पढ़ने से हमारी ब्रेन के हर एक पार्ट का यूज होता है। बुक पढ़ने से हमारा ब्रेन स्ट्रांग होता है। बुक पढ़ने की आदत से हमारे ब्रेन को एक जगह पर काफी देर तक फोकस करने की भी आदत बनती है। जितना ज्यादा तुम बुक्स पढ़ोगे उतना ज्यादा ये ब्रेन यूज होगा, उतना ज्यादा फोकस बढ़ेगा, उतना ज्यादा ये ब्रेन स्ट्रांग बनेगी, ताकि जब लाइफ में कोई बड़ी भसड़ मचे तो तुम ज्यादा परेशान ना हो बल्कि उसका सोल्यूशन आसानी से निकाल। और जितना अर्ली एज में तुम इस टाइप्स की बुक्स को पढ़ना शुरू करोगे उतना जल्दी तुम समझदार होगे, क्योंकि ऐसी बुक्स पढ़ने से सक्सेसफुल लोगों की सोच पता चलती है कि वो लोग किस तरह से सोचते हैं। तो जैसे जैसे हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम भी इनकी तरह सोचने लग जाएंगे। सो रीडिंग इज अ ब्रेन एक्सरसाइज एंड इट्स अ लाइफ चेंजिंग हैबिट। आर अफूजी पूछते हैं, ब्रदर मोटिवेशन बुक्स को पढ़ के हम मोटिवेशन तो होते हैं बट वो कुछ देर के लिए होती है, उस मोटिवेशन को हम आशा के लिए मेंटेन कैसे करें, प्लीज बताओ, थम्स अप। आर अफू भाई, तुम बुक्स पढ़ के मोटिवेट हो जाते हो पर अब तुम चाहते हो कि वो मोटिवेशन हमेशा के लिए बनी रहे। तो आर अफू भाई, मेरे को आपसे ये जानना था कि वो ही मोटिवेशन क्यों चाहिए आपको। जब वो मोटिवेशन लो हो जाए जो कुछ देर तक ही रहती है तो फिर से कोई बुक पढ़ लो ना और फिर से मोटिवेट हो जाओ, सिंपल। आरएफओ भाई एक और बात बोलते हैं कि स्टडी मोटिवेशन के लिए बुक्स। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे स्टूडेंट अपने टीचर को बोल रहा है, सर मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो कोई ऐसी बुक बताओ जिसको पढ़ने के बाद मेरा पढ़ाई में मन लगने लगे। तो इसमें वो टीचर पता है क्या बोलेगा, ठीक हो क्या भाई, अगर आप स्कूल कॉलेज की बुक्स पढ़ने के लिए मोटिवेशन मांग रहे हो तो उसके लिए एग्जाम्स है ना, पर अगर आपको इस तरह की बुक्स पढ़ने के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए, यानी कि ऐसा कैसे हो कि इस तरह की बुक्स पढ़ने के लिए हमको अंदर से इंस्पिरेशन आए, तो इसका जवाब आपको अभी थोड़ी देर में मिलने वाला। नीलेश गर्ग पूछते हैं, भाई बुक पढ़ते हुए आधी बुक समझ ही नहीं आती। राज बिष्ट पूछते हैं, भाई बुक पढ़ता हूँ पर कुछ समझ नहीं आता है, क्या करूँ। शिवेन शर्मा पूछते हैं, भाई मैं पता नहीं कोई बुक आधी से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाता हूँ। सुदीप पूछते हैं, हाउ टू रीड मोर एंड मोर। अगर ये सारी प्रॉब्लम तुमको भी आ रही है तो इसका मतलब है कि तुमने इस तरह की बुक्स पढ़ना किसी और के कहने पे शुरू किया है। जैसे किसी बड़े आदमी ने बोल दिया कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक बुक है वो पढ़ो, इन्वेस्टमेंट की फील्ड में नंबर वन बुक है, या फिर किसी ने बोल दिया कि मार्केटिंग सीखनी है तो फिलिप कोटलर की बुक पढ़ो और हम भी उनके सिर्फ बात सुनकर वो बुक खरीद लेते हैं। फिर राज बिष्ट और नीले जैसे सवाल आते हैं कि भाई बुक्स पढ़ता हूँ पर कुछ समझ में ही नहीं आता, या फिर आता भी है तो आधा अधूरा। और सिवेन जैसे भी सवाल आते हैं कि मैं कोई भी बुक आधी से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाता। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बुक पढ़ने का थॉट कोई और डाल रहा है तुम्हारे माइंड में, ये थॉट तुम्हारा खुद का नहीं है। बाहर से किसी ने बोला कि ये बुक ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी और हम ये सुनकर मोटिवेट हो जाते हैं और फिर जो जोश में वो बुक खरीद लेते हैं। और फिर मोटिवेशन तो होता ही थोड़ी देर के लिए, ये तो हम सब ने अच्छे से एक्सपीरियंस कर ही लिया है, क्यों, मैंने सही कहा ना। तो बाहर से हमें कोई कितना भी बोल ले हम तब तक नहीं बदलेंगे जब तक हमारे खुद के अंदर से नहीं आएगा। तुमको किसी और के कहने पे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं पढ़नी है, पहले तुमको खुद से पूछना है, डू आई रियली वांट टू लर्न इन्वेस्टिंग, एम आई रियली पैशनेट अबाउट द शेयर मार्केट, डू आई रियली लव नंबर्स या फिर बस स्कैम 1992 देकर एम आई एक्साइटेड तो नहीं हो रखा मैं। जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो इतनी बुक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो लोग सच में ये जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी पास्ट में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है उन लोगों की थिंकिंग कैसी होती थी, वो लोग कैसे सोचते थे, वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं, वो लोग ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग ऐसे लोगों की बायोग्राफीज पढ़ते हैं। और कई लोगों को ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें उनको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ जाती है। जैसे संदीप महेश्वरी के बारे में तुमने सुना होगा, उन्होंने मार्केटिंग के ऊपर एक उल्टी बुक लिखी थी जिसको लिखने के चक्कर में उनको मार्केटिंग के ऊपर 80 से भी ज्यादा बुक्स पढ़नी पड़ गई थी। मोस्ट अनयूजुअल बुक्स ऑन दिस प्लैनेट। ये बुक पीछे से खुलती है, यहां से, ये इसका पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है। इस बुक को लिखने के चक्कर में मैंने 85 बुक्स पढ़ ली, पता नहीं क्या क्या। जैसे इलोन मस्क के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, जब उनको स्पेस एक्स कंपनी का आइडिया आया था जिसमें उनको रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने थे, और उस आइडिया को लेके वो बहुत सारे रॉकेट साइंटिस्ट के पास गए थे लेकिन किसी को भी उनके आइडिया पे भरोसा नहीं था, इसलिए किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था, पर उन्हें अपने आइडिया पे भरोसा था। तो रॉकेट साइंस को बारीकी से समझने के लिए उन्होंने खुद ही बहुत सारी बुक्स पढ़ डाली थी। तो एक बहुत ही स्ट्रांग रीजन होना चाहिए बुक्स पढ़ने के पीछे, वो रीजन इनमें से कोई एक हो सकता है कि मुझे जानना है कि सक्सेसफुल लोगों का थिंकिंग पैटर्न कैसा होता है, वो लोग पैसे को लेकर किस तरह से सोचते, इसलिए मुझे रिच डैड पुअर डैड पढ़नी, मुझे एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, मुझे शेयर मार्केट की बातें करना, उसके बारे में सुनना, उसके बारे में पढ़ना पसंद है, इसलिए मुझे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़नी है, मुझे जानना है दैट हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, इसलिए मुझे ये वाली बुक पढ़नी है। जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मैं बुक्स इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि बुक्स पढ़ने से आदमी इंटेलिजेंट होता है, और वीडियो भी तो बनानी होती है। तो अगर तुम सच में कुछ जानना चाहोगे तो तुम अपने आप इन बुक्स तक पहुंच जाओगे और फिर तुमको मजा आने लगेगा और तुम इसके जैसी और बुक्स ढूंढोगे। इन बुक्स में जो बातें होती हैं
हैं वो बातें तुम नॉर्मल लोगों के मुंह से कभी नहीं सुनोगे। बुक पढ़ने से सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब तुम जो पढ़ रहे हो उसको तुमको अप्लाई करने का भी मौका मिल रहा है। जैसे तुम कोई काम कर रहे हो और तुम उसी काम से रिलेटेड बुक्स भी पढ़ रहे हो और साथ के साथ जो उस बुक से सीख रहे हो वो अपने काम में अप्लाई करते चले जा रहे हो, तो ये सबसे मस्त तरीका है। पर अगर तुम अभी कोई काम नहीं कर रहे और तुमको ऐसी बुक चाहिए जो हमारे डेली लाइफ में अप्लाई करे, तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से अच्छी बुक और कोई नहीं है। इस बुक में ऐसी ऐसी बातें लिखी है जिसका तुम अगले ही दिन प्रैक्टिस कर सकते हो। और अभी राइट में जो तुमको वीडियो शो हो रही है वो वीडियो इसी बुक पर है। और ये वीडियो जो तुम देख रहे हो ना, इस वीडियो का आइडिया भी मुझे इसी बुक से आया था। कैसे? वो तुम इस वीडियो को देखोगे तो समझ जाओगे।